नमस्कार दोस्तों, सलाम दोस्तों, मैं हूं आरआरजे, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कुछ टिप्स, वो रिगार्डिंग है जब हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करते समय हमें किन किन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान, जिससे कि आपको नहीं होना पड़ेगा परेशान। क्योंकि आप जब कभी भी एबीएम को फ़ोन लगाते हैं या फिर आरएसएम को फ़ोन लगाते हैं, तब आपको उस टाइम कैसे बोलना चाहिए, उस टाइम आपको किस किस बातों का रखना पड़ेगा ध्यान, तो मेरा आप इस वीडियो को देखते रहिए तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी। दोस्तों जब आप कभी कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका कॉल आपको कोई बंदा या फिर आरएसएम एएसएम कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, तब क्या ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आप बात करें तो प्रॉपर वे में बात करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो टाइम उस हिसाब से उनको बोलिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, वॉट एवर। ये मत करिएगा कि गुड आफ्टरनून है, आप बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। इस बात का ध्यान रखिए, वरना क्या होगा कि जो भी बंदा होगा सामने एबीएम होंगे या फिर आरएसएम होंगे, वो क्या बोलेंगे, अभी कौन सी गुड मॉर्निंग है, आप तो गुड नून हो गया है, गुड आफ्टरनून हो गया है, गुड इवनिंग हो गया है, क्या कर रहे हैं सर आप। और जब वो फ़ोन करे तो आप ध्यान रखें कि आपके आजू बाजू में ज़्यादा शोरगुल ना हो, ज़्यादा क्राउडी प्लेस ना हो, वहाँ से आप हटें, वहाँ से आप तुरंत निकलें, या फिर उनको बोल दें कि सर मैं ज़रा इस जगह पे हूँ, इस प्लेस पे हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल है, मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ या फिर 5 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ, जितना आप डिस्टेंस ले सकते हैं साइलेंट प्लेस में जाने के लिए, समझ में आया दोस्तों। और जैसे ही फ़ोन आता है तो आप बस गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, आवाज़ में वो मतलब क्या बोलते हैं, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, नहीं सर गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर, हाँ सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट, गुड मॉर्निंग सर, यस। तो ये इस तरह से आवाज़ में आपके स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ बंदा कुछ बोल रहा है, सामने वाले बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बंदे में एनर्जी है, उस एनर्जी के वे में बोल रहा है। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर, हाँ सर, इस तरह से बोलिए। और जब कभी भी आपको कोई मैसेज मिलता है ना रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में कि हमारे इस एरिया में वैकेंसी है, प्लीज़ कॉल, जब आप कॉल करते हैं तो क्या बोलिएगा कि सर गुड मॉर्निंग, आई एम, आपका नाम बताइए, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, प्लेस का नाम बताइए, ओके। उसके बाद बताइए कि सर आई गॉट योर नंबर फ्रॉम माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही टोल्ड मी अबाउट देयर इज अ वैकेंसी इन योर कंपनी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू सर। थोड़ा सा इंग्लिश बोल लीजिए ना, कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश बोलना ही जरूरी है इस में, क्योंकि आप दे रहे हैं इंटरव्यू। गुड मॉर्निंग सर, आई एम आरआरजे, एक्चुअली आई गॉट योर नंबर फ्रॉम माय वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही सेड दैट दैट देयर इज अ वैकेंसी इन योर कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू सर, सो मे आई नो सर व्हेन आई कैन मीट यू और वी कैन कंडक्ट अ इंटरव्यू एंड ऑल थिंग, समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट व्हाट एवर यू वांट टू टॉक। सर आर यू फ्री राइट नाउ, इफ़ यू से देन आई कैन कम राइट नाउ ऑल्सो, वेर एवर यू से, जहाँ कहीं भी आप कहेंगे मैं वहाँ पे आ सकता हूँ। ये नहीं कि सर मैं यहाँ पे हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा, वॉट एवर। अगर सिचुएशन है कि कल आप जा पाएंगे, डिस्टेंस बहुत दूर है, तो आप उनको बोल दीजिए। अगर बोलते हैं एबीएम या फिर आरएसएम की तुरंत आइए इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा सर नहीं मैं भी बहुत दूर हूँ, डिस्टेंस बहुत दूर है, या फिर मैं बिज़ी हूँ, मैं पार्टी के लिए आया हूँ, मैं रिलेटिव के यहाँ आया हूँ, जेन्युइन रीज़न है तो दीजिए, मत ऐसा मत करिए। और इंटरव्यू में टाइमिंग पे पहुँचिएगा। और हाँ एक बात दोस्तों, कि जिस वक्त आप कॉल करते हैं, अगर कोई बंदा बोलता है सामने वाला कि इस समय कॉल कीजिए, पर्टिकुलर इतने बजे कॉल कीजिए, तो उतने बजे कॉल कीजिए। अगर आप लेट हो जाते हैं उस समय कॉल करने के लिए, तो क्या बोलिए पता है उनको, उनको बोलिए सॉरी सर लेट हो गया, बिकॉज मैं ज़रा बिजी था या फिर कुछ काम था, इसीलिए सर मैं थोड़ा लेट हो गया कॉल करने के लिए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसा उनको बोलिए, ये मत करिए सर हाँ गुड मॉर्निंग सर, सर एक्चुअली आपने कहा था सर 11 बजे कॉल करने के लिए, सर मैं कॉल कर रहा हूँ 12 बजे, ऐसा मत बोलिएगा दोस्तों, क्योंकि सॉरी वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया दोस्तों आपको, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, थोड़ी सी मैं आपको टिप्स दी है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश में क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस कंडीशन में बोलना है, कहाँ बोलना है, अगर आप टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको क्या रिप्लाई देना है, तो इन सब बातों का रखिएगा ध्यान, जिससे कि आपको नहीं होना पड़ेगा परेशान और आपका इंटरव्यू हो जाएगा प्रॉपर वे में, अच्छी तरीके से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। दोस्तों कैसा होता है कि इंटरव्यू देना बहुत ही आसान है, मतलब वैकेंसी मिल गई, कॉल कर दिया, लेकिन उसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रैक करने के सारे आपको मैं फंडे बता रहा हूँ, सारा नॉलेज आपको देता रहा हूँ और दे रहा हूँ। जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जाए, आपको वहाँ पे एमआर जॉब से रिलेटेड बहुत सारे जॉब के इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड जॉब के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा तो आपको उससे जॉब के बारे में आइडिया आ जाएगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनको कहता हूँ थैंक्स 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 अ लॉट, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो होने वाली है शाम, हो जाएगा अंधेरा, और मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, मैं आया हूँ काम के सिलसिले में बाहर, मैंने सोचा कि टाइम निकाल के क्यों ना बना दी जाए वीडियो, तो मैंने वीडियो बना दी आप सभी लोगों के लिए। आपका प्यार सपोर्ट दोस्तों इसी तरह मुझे मिलता रहे, और मेरा प्यार सपोर्ट आपको हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।